साथ जेड ड्रैगन का ब्रीडिंग करवाने के लिए बोला है, इसका नाम है सुत्रिया, तो इसके साथ जेड ड्रैगन को ब्रीड करवाएंगे। और पता नहीं इन दोनों का ब्रीड करवाने के बाद कैसा अंडा निकलने वाला है भाई। इसके भाई मुंह तो देखो क्या खतरनाक लग रहा है, आज होने वाला है इसके साथ फाइट। ये मार रहा है भाई, तू पूछे मारेगा वो भाई। ये क्या टकरा बहुत ज्यादा है भाई इसका, एक गोली का नहीं है और बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लीज प्लीज प्लीज, रेडी 1 2 3। ओ तो कैसे हो मेरी यारो। गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पालुवाल, और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाले है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे खतरनाक धमाकेदार चीज करने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग नया टाइप का पोकेमोन पकड़ने वाले हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम फाइट करेंगे भाई इस नो क्लेम वाला पोकेमोन के साथ, जो एक 55 लेवल का बॉस पोकेमोन है भाई, पूरा मैक्स लेवल का पोकेमोन है। इसके साथ आज फाइट करेंगे, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे भाई इस टावर बॉस के साथ भी फाइट करने का। इससे अगले वाले वीडियो के अंदर तो आप लोगों ने देखे थे भाई, नाइट टाइम के हम लोग बहुत सारे नए नए पोकेमोन पकड़े थे, और भी बहुत सारे पोकेमोन है जो हम पकड़ नहीं पाए थे। आज भाई वो सारे नए नए पोकेमोन को पकड़ने का कोशिश हम करेंगे, और उसके साथ साथ आज कुछ नया कॉम्बो भी आया है ब्रीडिंग का, तो आज हम ब्रीड भी करवाने वाला है। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल के अंदर ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग पाल वर्ल्ड का वीडियो मिलते रहता है। तो आज सबसे पहला जो हम लोगों का काम है, सबसे पहले हम ब्रीडिंग पे डालने वाले हैं हम लोगों का सबसे प्यारा खतरनाक सा जेट ड्रैगन और सुत्रिया आई ये वाला पोकेमोन, इन दोनों का ब्रीड करवाने वाले हैं। और ब्रीडिंग का कॉम्बो का नाम दिया है जयदीप सिंह भाई ने, इस ब्रीड का कॉम्बो दिया है, तो भाई को शाउट आउट, फुल शाउट आउट आप भाई को। तो सबसे पहले हम ब्रीड करवाने के लिए देने वाले है, तो इसके साथ जेट ड्रैगन का ब्रीडिंग करवाने के लिए बोला है, इसका नाम है सुत्रिया, तो इसके साथ जेट ड्रैगन को ब्रीड करवाएंगे। और पता नहीं इन दोनों का ब्रीड करवाने के बाद कैसा अंडा निकलने वाला है भाई। भाई ये एक डार्क और फायर टाइप दोनों टाइप का पोकेमोन है, हम लोगों का जेड ड्रैगन जो है वो एक ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है, तो पता नहीं ये नया पोकेमोन और हम लोगों का तगड़ा से तगड़ा पावरफुल जेड ड्रैगन का साथ ब्रीड करवाने के बाद क्या भला अंडा निकलेगा। मेरा जेड ड्रैगन अभी खाना खा रहा है भाई, इसको खाना खिलाने देता हूं, पूरा खाना खा लेगा तब जाकर उठाकर लेकर जाऊंगा, हो चुका है इसका खाना पानी, तो इसको उठाता हूं और लेकर जाता हूं ब्रीडिंग फार्म के अंदर। और भाई पता नहीं इन दोनों का ब्रीड करवाने के बाद कैसा क्या खतरनाक पोकेमोन निकलेगा भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो इन लोगों का ब्रीड करवाने के लिए मैं इस जगह पे छोड़ देता हूं, चलो यार तुम लोग ब्रीड करवाओ। तो इन लोगों का ब्रीड कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कैसा अंडा निकलता है, पता नहीं भाई क्या फायर टाइप का अंडा निकलेगा भाई, फायर टाइप का अंडा निकलेगा कैसे भाई, ये दोनों तो ड्रैगन और डार्क टाइप का है, बट जो सुत्रिया है भाई ये एक फायर टाइप का पोकेमोन भी है, पता नहीं क्या निकलेगा भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो मैं अभी ये सारे केक को हटा देता हूं, नहीं तो भाई ये सारे इतने ज्यादा केक खाएगा और इतने सारे अंडे दे देगा, पता नहीं भाई बहुत सारे दे देगा, तो इसलिए मैं ये सारे केक को हटा के इस जगह से इस चेस्ट के अंदर रखने वाला हूँ। तो मैं फटाक इस जगह पे मैं ये सारे केक रखने वाला हूँ, तो जिससे मेरा जो ब्रीडिंग करने के बाद मैं सिर्फ एक केक दे दूंगा तो उन लोगों ने सिर्फ मुझे एक ही अंडा देगा, तो इसलिए मैं दे दिया। और इन सारे फालतू सामानों को मैं इस जगह पे फेंक देता हूँ, फालतू नहीं बहुत सारे काम का सामान है, तो इन सारे सामान को इस जगह पे मैं फटाफट छोड़ता हूँ। और आज का भाई पता नहीं इस ब्रीडिंग के बाद क्या निकलने वाला है, और आप लोग कमेंट करना मत भूलना नेक्स्ट ब्रीड करवाने के लिए भाई, आप लोग कमेंट करो यार, बहुत सारे नया नया पोकेमोन आया है यार, उन सारे नया नया पोकेमोन के बारे में बताओ यार, कौन थोड़ा सा मन पे सोचो यार क्या हो सकता है, वो सोच के थोड़ा सा तो कुछ नया नया पोकेमोन का नाम बताओ जिससे मैं ब्रीड करवाने वाला हूँ। और इन लोगों का तो ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुका है, और अब भाई मुझे एक खतरनाक सा पोकेमोन मेरे पास लेना पड़ेगा, मैंने उस पोकेमोन को उस जगह पे ब्रीड करवाने के लिए दे दिया, तो कुछ नया टाइप का खतरनाक पोकेमोन मुझे कहाँ पर मिलेगा भाई, वो वाला पोकेमोन कुछ एक नया पोकेमोन ये वाला ले लेता हूँ गाइस, इस पोकेमोन को मेरे साथ ले लेता हूँ। और आज उसके साथ साथ हम लोगों का 51 लेवल भी हो चुका है, 51 लेवल होने के साथ साथ हम लोगों के पास ये वाला कैप्चर बॉल अनलॉक हो चुका है, ये नया गन भी अनलॉक हो चुका है, तो आज भाई मैं इस गन को तो जरूर बनाऊंगा, इस गन की भाई मुझे बहुत ज्यादा चाहत है, क्योंकि इस गन को मैं बहुत दिन से सोचता हूँ यार, ये कितना पावरफुल गन होगा, कैसा होगा, मैं इसको बहुत दिन से चलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस गन को अनलॉक करूंगा, इस कैप्चर बॉल को अनलॉक करूंगा, और इस गन का ये वाला एमओ है भाई,
भाई एमओ देखो भाई, एमओ ही देखना भी इतना खतरनाक इलेक्ट्रिक टाइप का एमओ होने वाला है और गन भी इलेक्ट्रिक टाइप का होगा। तो इस गन को, इस एमओ को और इस कैप्चर बॉल को तो मैंने अनलॉक कर लिया। सबसे पहले मैं कुछ नया कैप्चर बॉल बनाने के लिए देने वाला हूँ, क्योंकि 55 लेवल बॉस के साथ मैं फाइट करने के लिए जाऊंगा। मेरी जान, 55 लेवल बॉस के साथ मैं जब फाइट करने के लिए जाऊंगा तब मुझे इस कैप्चर बॉल की तो जरूर जरूरत होगा। अल्टीमेट स्पीयर भाई, इसके लिए भाई एक खतरनाक पोकेमोन ही आने वाला है इसके अंदर। तो भाई सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम लोगों का जो पेलेडियस फ्रेग्रेंट है ना, इसकी थोड़ी सी कमी पड़ रहा है, इसलिए हम कैप्चर बॉल को बना नहीं पा रहे। तो ये थोड़ा सा कैप्चर बॉल मतलब यहाँ पर पेलेडियस फ्रेग्रेंट दे देता हूँ और उसके साथ साथ मैं जाकर कुछ कैप्चर बॉल बनाने के लिए देता हूँ। और हाँ, जो नया गन को मैं अनलॉक किया उस गन को भी बनाऊंगा, उसको तो बनाना पड़ेगा ही भाई। तो सबसे पहले हम सिर्फ एक कैप्चर बॉल बना सकते हैं। भाई कितने सारे सामान लग रहे हैं, सिर्फ आप देखो इतने सारे सामान कलेक्ट करने के बाद तब जाकर इस कैप्चर बॉल को हम बना सकते हैं। बट चलो एक को ही बनाते हैं यार, अभी भाई गरीब है हम थोड़ा सा गरीब है, इसलिए इसको ही बनाना पड़ेगा। हम लोगों का जो नेक्स्ट बेस है ना, उस बेस्ट के अंदर जाकर मैं बहुत सारे पेलेडियस फ्रेग्रेंट लेकर आने वाला हूँ, उस जगह पर मैं बनाने के लिए दिया हूँ। और देखो इस बेस के अंदर आने के बाद ना भाई नाचने का मन जाता है, क्योंकि इस जगह के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक म्यूजिक बजता है और वो वाला म्यूजिक इस जगह से निकलता है। देखो इस जगह से इसके अंदर से वो बड़ा म्यूजिक निकलता है। बट हम म्यूजिक सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ से पेलेडियस फ्रेग्रेंट लेने के लिए आए हैं, जो यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये रहा, और इस चेस्ट के अंदर कुछ है, हाँ इस चेस्ट के अंदर भी है। तो ऐसे ट्रिक करके मैं लेकर जाने वाला हूँ मेरे कैप, जितने भी पेलेडियस फ्रेग्रेंट है इन सारे को लेकर जाऊँगा मेरा उस घर के अंदर। उससे पहले इसको बैग के अंदर रखते हैं, जिससे मैं बहुत आराम से यहाँ पर आ गया और सीधा मेरा इस घर के अंदर मैं आ गया। तो और ज़्यादा दूर पे जाने से अच्छा मैं इसी चेस्ट के अंदर रखता हूँ। और वो कैप्चर बॉल किसी ने बनाया या नहीं वो पता नहीं, देखता हूँ जाकर। भाई उन लोगों को ठोक के मारना पड़ेगा, सारे कामचोर पोकेमोन है। देखो भाई देखो, हाँ भाई बना रहे। भाई कितना टाइम लगता है इसको बनाने पे। मेरा अनुबिस कहाँ गया? रुको, मेरा ना पावरफुल अनुबिस को बाहर करता हूँ, देखता हूँ। ओ भाई, वो उसको बनाने पे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मतलब सोच लेना भाई, ये जो अल्टीमेट स्पीयर है ना, इसका भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक काम होने वाला है। और अभी भाई जब से ये अल्टीमेट स्पीयर आया है ना, तब से भाई हम लोगों का जो लेजेंडरी कैप्चर बॉल है उसका कोई भी इज्जत ही नहीं रहा, उसका इज्जत पानी में मिसा दिया भाई। तो इसलिए मेरा इसको ले लो मारा हो। और मेरा भाई, मैं देखा मेरा अनुबिस 51 लेवल का हो चुका है, मेरे साथ साथ मेरा अनुबिस भी 51 लेवल का हो चुका है। तो मेरा अनुबिस तू काम करियो, तो कितना स्पीड कर सकता है भाई मेरा अनुबिस के हाथ पर? सच्ची में इसका हाथ का काम, इसका स्पीड कोई कम ही नहीं कर सकता। और एक बार में 31 कैप्चर बॉल बना पा रहा हूँ, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चलो अनुबिस तुम इसको बनाओ फटाफट, मैं उस पोकेमोन को पकड़ने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने ये सारे मेटल स्टील बनाने के लिए दे दिया था, यहाँ पर मैं 26 स्टील मुझे मिल चुका है। तो इनसे इससे भाई मैं कैप्चर बॉल बना पा रहा हूँ, ये जो अल्टीमेट वाला। तो इस अल्टीमेट वाले से भाई बहुत खतरनाक काम होने वाला है, क्योंकि इस बॉल को लेकर हम जाने वाले हैं इस नोकिलेम को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले सारे के सारे कैप्चर बॉल बना के कंप्लीट करता हूँ फटाफट। तो गाइस मैं इधर कैप्चर बॉल बना रहा था और मुझे पता चला हम लोगों का प्यारा प्यारा इन दोनों पोकेमोन का ब्रीड कंप्लीट हो चुका है, इन दोनों मिलके ब्रीड कर चुका है। अब मुझे सिर्फ इस जगह पे एक क्रेक देना पड़ेगा, तभी जाकर मुझे यहां से एक अंडा मिल जाएगा। बाय बाय, मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा केक लेकर आऊंगा और सबसे पहले मैं देने वाला हूँ। भाई पता नहीं क्या होगा, क्या भाई क्या निकलने वाला है, क्या यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। चलो 1 2 3 मैं केक दे दिया और अंडा दे दिया। ओ भाई साहब, मैं जो सोचा था यही हुआ, एक फायर टाइप का अंडा है, फायर टाइप का अंडा आया है। बट ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है ये भाई, कुछ ज़्यादा ही छोटा है। और रुको, बहुत कर लिया तुम लोगों ने ब्रीड, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ खुद का काम पे जाओ भाई, खुद का काम करो, भागो। जे ड्रैगन तुम भी भागो यहाँ से। तो मैं इस अंडे को उठाता हूँ और उठाने के बाद इस अंडे के अंदर कैसा बच्चा है, क्या बच्चा है, आई डोंट नो। तो हम लोगों का सबसे पावरफुल जो इनक्यूबेटर है उसके अंदर जाकर हम इसको कैप्चर का हैच करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे पता है इस इनक्यूबेटर के अंदर इस अंडे को हैच करने पे। तो ये वाला अंडा मैंने लगा दिया, 20 मिनट का समय ले रहा है, 100% स्पीड से ये हैच हो रहा है। तो जल्दी से हो जा भाई, मैं देखने वाला हूँ इसके अंदर से क्या वाला पोकेमोन निकलेगा। और मेरा जो पोकेमोन था उस पोकेमोन को मेरे पास ले लेता हूँ। भाई कौन सा पोकेमोन को मैं अभी जिसको छोड़ा ये वाला, इसको मेरे पास लेने वाला हूँ। किसको हटाऊँ मैं मेरा इस चेस्ट वाले पोकेमोन को हटाता हूँ यहाँ से। और जेट ड्रैगन तो उस जगह पे रह जा, तू ब्रीडिंग फार्म के अंदर रह जाओ भाई। और यहाँ से ये हैच होगा और इसको हैच करने के बाद हम
ओपन करके देखेंगे इसके अंदर से कौन सा बच्चा निकलता है। और हम लोगों का अल्टीमेट 12 स्पर तैयार हो चुका है, मेरे पास टोटल 13 कैप्चर बॉल हो चुका है, अब मेरे पास और एक हो गया, 14 हो गया। तो मेरा अनुबिस यार देखो बहुत फास्ट बना रहा है, लेकिन मुझे बनाने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत होता है, तब जाकर हम इसको बना सकते हैं। तो जल्दी से इन सारे कैप्चर बॉल को बना के कंप्लीट करता हूँ और जाता हूँ भाई 9 क्लैम बॉस को पकड़ने के लिए। तो गाइस फाइनली मेरे सारे के सारे कैप्चर बॉल रेडी हो चुका है, अब मैं जाने वाला हूँ साकुराजिमा आइलैंड के अंदर और उस जगह पे जाकर होगा तबाही 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 खतरनाक फाइट। उससे पहले मैं सारे मेरा आर्मर वगैरह देख लेता हूँ, मेरे पास सारे गन का एमओ तो है ना भाई, यहाँ एसोल राइफल का 72 एमओ है, हो जाएगा इस एमओ से तो बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास रॉकेट लॉन्चर का 64 एमओ है, रॉकेट लॉन्चर के एमओ की जरूरत है जो मेरे पास बहुत सारे है, रॉकेट लॉन्चर के एमओ से मेरा काम बन जाएगा। सीधा मैं आ चुका हूँ साकुराजिमा आइलैंड के ऊपर, अब भाई इस जगह पे मैं तबाही करने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारे पोकेमोन नहीं है और मैं बहुत सही टाइम पे आया हूँ, अभी देखो रात भी हो रहा है, रात होना स्टार्ट भी हो चुका है और मैं इस जगह पे आ चुका हूं और यहां पर मेरा जेड ड्रैगन को मैं बाहर करने वाला हूं, उसके पीठ पे मैं चढ़ूंगा, जेडू जेडू तू मुझे चरा ले, पीठ के ऊपर चरा ले, और इसके पीठ के ऊपर चढ़ने के बाद मैं जा रहा हूं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूं 9 क्लेम का जगह पे जहां पर वो वाला खतरनाक बॉस है, इस जगह पे है वो वाला बॉस, आप लोग देख सकते हो भाई पूरा मेटल का तैयार है ये, ऐसा लग रहा है ना इसका जो चेस्ट है ना पीछे देखो ये गोल सा घूम के बना गया है, ये वाला वो कौन सा वाला चीज से बनाया गया है आप लोगों को पता है, ये है एक पूरा मेटल का लोहा का पूरा एक पोकेमोन जैसा है, इसके भाई मुंह तो देखो क्या खतरनाक लग रहा है, आज होने वाला है इसके साथ फाइट, ये मुझे अभी तक देखा नहीं है, मुझे मारने के लिए नहीं आ रहा है, जब मैं थोड़ा सा करीब जाऊंगा ये देखो भाई फाइट स्टार्ट हो चुका है इसके साथ, और हिलमत हिलमत ओए भाई मुझे अटैक करे भाई, क्या खतरनाक अटैक किया था भाई, बहुत बच गया इस अटैक से, रुक 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 रुक, नहीं 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 ओ माय गॉड क्या खतरनाक डॉच किया मैं भाई, मेरा जेट ड्रैगन को बाहर कर रहा, मैं मर जाऊंगा, ये क्या ओ भाई साहब कितने सारे टोरंटो भाई, गए भाई क्या खतरनाक डैमेज भी दे, जेट ड्रैगन तुम्हार मर जाऊंगा, ओ भाई साहब मेरा शील्ड पूरा ही तोड़ दिया, मैं अभी तुझे तोड़ दूंगा, फोर डालूंगा, मार जेट ड्रैगन मार, ओ बाबा भाई साहब भाई क्या खतरनाक, मार जेट ड्रैगन, आग लग चुका है उसके ऊपर, आग लग चुका है, मेरा जेट ड्रैगन भाई मरेगा, मेरा जेट ड्रैगन मरेगा, डॉच कर खतरनाक डॉच कर, ऐसे मार जेट ड्रैगन ऐसे मार, मेरे जैसा मार उसका दांत तोड़ दे मार के, क्या भाई मुझे लग रहा है मुझे जिंदा रहने की और जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, ओ भाई 700 डैमेज दिया मेरे जेट ड्रैगन को, मार जेट ड्रैगन मार जेट ड्रैगन मार, मेरा हेल्थ ज्यादा नहीं है, मार जेट ड्रैगन तू ही कर सकता है जेट ड्रैगन, दे 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 फायर वाला अटैक दे, भाई ये मेरे पास आ जाएगा तो बहुत काम बन जाएगा भाई, ये मेरा काम वाला पोकेमोन होगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, इसको कैप्चर करने के बाद मैं जिस किसी पोकेमोन के साथ आंख बंद करके फायर कर सकता हूँ फाइट कर सकता हूँ, ज्यादा हिल मत मेरे पास ना कैप्चर बॉल हेल अल्ट्रा सॉरी क्या बना वो, बस ड्रैगन मर जाएगा कुत्ते हरामी जो ड्रैगन, अभी तो मर जाता ये, मैं लेजेंडरी स्पेयर फेंका, आजा लेजेंडरी स्पेयर पे थोड़ी आने वाला है, ओ भाई साहब गया मेरा शील्ड गया, क्या आजा प्लीज ओए यार, नेक्स्ट गो गाइस 9 क्लेम वाला बॉस मेरे पास आ चुका है, ओ भाई साहब यार मैं इतना ज्यादा खुश आप लोगों को बता नहीं सकता यार, मैं किसको पकड़ लिया यार, ओ माय गॉड भाई अभी के टाइम पाल वर्ल्ड का किंग को मैंने पकड़ लिया, आज भाई मैं इतना खुश कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, आज साकुराजिमा के अंदर जितने भी चीज है जितने भी पोकेमोन है सब पकड़ने वाला हूँ, सारे नया नया पोकेमोन में पकड़ने वाला हूँ, और अभी तो रात होने वाला है, रात के टाइम बहुत सारे पोकेमोन रिस्पॉन होगा नया नया, तो गाइस फाइनली रात हो चुका है और मैं उस साइड से और इस साइड पे आ चुका हूँ, और इस साइड पे आने के बाद मुझे वो वाला पोकेमोन जो नया आया है डार्क टाइप का वो मुझे देखने के लिए मिल गया है भाई, मुझे मिल चुका है एक तो खाली पे जगह पे मुझे मिल चुका है जो एक ये अकेला ही यहाँ पर है, ये अकेला ही मारेगा, मार रहा है भाई तू मुझे मारेगा, ओ भाई ये क्या तेरी ऐसे के तैसे, रुक भाई क्या अटक सीख चुका है ये तो क्या अटक चुका है भाई, मेरा किसी पोकेमोन को बाहर नहीं करूंगा नहीं तो बहुत गलत सीन हो जाएगा, चलो अल्टीमेट स्पीयर पे आ जा,
तुझे पकड़ने के लिए 47 वाले पोकेमोन को पकड़ने के लिए मैं अल्टीमेट स्पीयर बाहर किया। आजा आराम से, लेट्स गो गाइस। और एक नया पोकेमोन को मैंने पकड़ लिया, बट ये आप नीचे से भाई, ये लो खराम भाई, ये मैं मर जाऊंगा। जेट ड्रैगन तो छोड़ दे, मार 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 जेट ड्रैगन मार। पूरा आग आग हो चुका है जेट ड्रैगन के ऊपर, जेट ड्रैगन का तो हालात खराब कर दिया। एक अकेला भूसी इधर है, कमजोर साइड टाइप का भूसी है, इसका साथ मैं फाइट करता हूँ। भूसी तेरी तो मैं, आजा अब आजा 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 प्लीज भूसी, आजा आजा पुलिस 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 क्या है भाई भूसी, आजा आजा मर खा जाएगा तो फालतू पे मार खाने का क्या क्यों करता है भाई, आजा भाई भूसी तू आजा। ये वाला भूसी ना टेलीपोर्ट अटैक नहीं कर यार भाई, भूसी भाई भाई ये बोला भूसी वाला पोकेमोन मेरे पास आने नहीं वाला है, मुझे जितना सा लग रहा है ये भूसी पोकेमोन मेरे हाथ पे आएगा नहीं, क्योंकि जितने बार बाहर कर रहा हूँ उतने बार भाई मेरा जेट ड्रैगन एक बार मार रहा है, मेरा सारे पोकेमोन एक बार मार रहा है, कोई ना कोई तो इसको मार ही रहा है, मैं पकड़ू कैसे सब इसको मार ही देगा। तो ये रहा नया टाइप का भूसी यहाँ पर है और ये 50 लेवल का है, मैं ना इसको जेट ड्रैगन का रॉकेट लॉन्चर से मारूंगा, क्योंकि मैं नीचे उतर कर शॉटगन मारूंगा तो कन्फर्म मर जाएगा, कन्फर्म मर जाएगा। हो चुका है बहुत अच्छा खासा डैमेज हो चुका है, तुझे अटैक करने का टाइम भी नहीं दूंगा मैं भूसी, भूसी तू आजा। नखरा बहुत ज्यादा है भाई इसका, एक गोली का नहीं है और बाहर, आजा 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 प्लीज प्लीज प्लीज। फाइनली इस भूसी को भी भाई मैं बहुत लंबा टाइम तक कोशिश करने के बाद मैं इसको पकड़ ही लिया। लिटरली यार कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है, कोशिश करना रहता है, बट मेरे पास बहुत सारे कैप्चर बॉल था, अच्छा अच्छा कैप्चर बॉल था, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और अभी रात ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर और एक भूसी है, जब ज़रूरत होता है तब तो नहीं आता और अभी आ जाता है। और गाइस ये वाला पोकेमोन फिर से मुझे देखने के लिए मिल गया, रुको 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 जेट ड्रैगन तू भाई यार 49 लेवल का है, जेट ड्रैगन मर जाएगा, मर जाएगा कुत्ता हराम, जेट ड्रैगन के बच्चे तू जेत में चल चल, तुझे मारने का कौन बोला, तुझे कौन बोला मारने का, तुझे काट के खा लेता तू मेरा जो वो वाला पोकेमोन है, इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि ये मेरा 4 स्टार वाला पोकेमोन है, ये अकेला कितने सारे पोकेमोन को खाया है तब जाकर ये 4 स्टार हुआ है, नहीं तो मैं इसको अभी के अभी चाकू से काट डालता। लेकिन ये वाला पोकेमोन मुझे और एक देखने के लिए मिल गया, मुझे और एक देखने के लिए मिल गया है, लेवल ज़्यादा नहीं है, 47 का है। हाँ 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 आजा आजा आजा, तेरा ही तो इंतजार कर रहा हूँ मेरी जान, आजा तू आजा तू आजा तू आजा। अब मैं सिर्फ उसको शॉट गन से मारने वाला हूँ, वो मर जाएगा, मैं मर जाऊँगा भाई, इतना सारे फायर टाइप का अटैक मत कर। ओ भाई रुक 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 रुक, तुझे ना दूर से धीमे धीमे मारना पड़ेगा, एक बार पर पूरा मार दूंगा तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। अबे भाई 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 मुझे गुस्सा आ रहा है भाई, मैं कितने बार कोशिश किया बट पकड़ नहीं पाया। तो गाइस फाइनली मैं साकुरा जिमा पे मेरा इस घर के अंदर आ चुका हूँ, सीधा साकुरा जिमा से इस घर के अंदर, और मेरा जो वो अंडा है वो भी हैच कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं जो नया नया पोकेमोन को पकड़ना, अभी उन सारे नए नए पोकेमोन को मेरे पास लेता हूँ और उन लोगों को देखता हूँ, और उसके साथ साथ जो मैं पोकेमोन का अंडे को हैच करने के लिए दिया हूँ उसको मैं देखता हूँ क्या वाला पोकेमोन उसके अंदर से निकला है। और ये रहा भाई नौ किलम भाई, साइज कितना होगा इसका, मैं इसको बाहर करूँगा तब जाकर देखूंगा। ये वाला भी नया पोकेमोन है, भूसी तू हट, और ये वाला पोकेमोन है तो किसको हटाऊँ भाई, तू नौकलम तू क्यों जा रहा है, जेट ड्रैगन तू जा थोड़ी देर के लिए, मैं भाई अंडे को अब हैच करने वाला हूँ भाई, इस अंडे को मैं हैच करने वाला हूँ जो खतरनाक एक है। और मेरे पास एक नया पोकेमोन आ चुका घर के अंदर, छोड़ो ओ भाई क्या साइज में बड़ा है मेरा घर के अंदर, ये पूरा ही अटक रहा है, लेकिन देखो ये अंडा हैच कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको हैच करने वाला हूँ। तो गाइस रेडी, चलो इसको हैच करते हैं, रेडी 1 2 3। ओ भाई साहब ये क्या निकला भाई, इन दोनों को विराट करवाने के बाद क्या टट्टी सा पोकेमोन निकला भाई ये, रुको रुको मैं देखता हूँ क्या पोकेमोन था वो, उसको मैं देखता हूँ। उन दोनों को बीट करवाने के बाद ये पोकेमोन निकला, सिंपली ये पोकेमोन, इसको हटाता हूँ मैं, इसको लेता हूँ देखता हूँ। तो सबसे पहले भाई उसको देखूंगा जिसको मैं बीट करवाने के बाद बाहर किया, भाई उतना भी सही पोकेमोन नहीं है यार, ये तो मेरे पास है, मैं सोचा कुछ अलग टाइप का पोकेमोन निकला, कुछ खतरनाक टाइप का पोकेमोन निकलेगा, बट तू है तू तुझे मैं गोली करके मारूंगा, वो भी फीमेल वाला पोकेमोन है। चलो 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 सबसे पहले हम लोगों का खतरनाक नौकिलेम। ओ भाई तू पत्थर क्यों तोड़ रहा है मेरी जान, तू तो इधर आ, तू इधर आ, तू तो मेरा घर का गेस्ट है। ओ भाई साहब देख सकते हो गाइस, देख सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यार, क्या खतरनाक दिख रहा है ये तो। गाइस नौकिलेम का कुछ एबिलिटी भी है, यूज करके देखो, चलो यूज करता हूँ। ओ भाई साहब
क्या हो चुका है, इसके अंदर से कुछ रेड रेड कलर का कुछ निकल रहा है, क्या होगा इस, ये मुझे लग रहा है इसको लेने के बाद ना किसी के साथ मैं फाइट करूंगा तो बहुत तगड़ा डैमेज देगा। ओ भाई नोकलेम का अटैक देखो भाई, उसका पीछे वाला वो ना बहुत तेजी से घूम रहा है। हाँ हाँ गाइस, मेरा जो अटैक पावर है ना वो इंक्रीज हो चुका है, अटैक पावर जो है ना वो इंक्रीज हो चुका है। ये देखो मेरा जो अटैक पावर इंक्रीज हो चुका है नोकलेम का जो एबिलिटी है उसको यूज करने के बाद। ओ भाई बम फोड़ रहा है, बम फोड़ रहा है, बम फोड़ रहा है, बम फोड़ रहा है। मेरा नोकलेम को मारेगा तू, तुझे मैं मार दूंगा जान से भी प्यारा है मेरा नोकलेम भाई, साइज पे कितना बड़ा है ये। और ये इन लोगों को कौन बुलाया रे, इन लोगों को कौन बुलाया? देखो गाइस देखो, समझ सकते हो, समझ सकते हो मेरा जो अटैक पावर है ना वो इंक्रीज हुआ था बट अभी डिक्रीज हो चुका है। तो अब भाई नोकलेम को तो मैंने बाहर कर लिया, इसका तो पावर बहुत ज्यादा है, इसका अटैक पावर कितना ज्यादा है मैं वो देखता हूँ। सिर्फ भाई 697 इसका अटैक पावर है, डिफेंस है 700, भाई डिफेंस तो बहुत अच्छा खासा है। ये माइनिंग करता है, ये बहुत सारा सामान बहुत तेजी से उठा के लेकर भी आता है। और इसका लेवल है 55, पूरा मैक्स लेवल का है, इससे ज्यादा लेवल नहीं है पाल वर्ल्ड के अंदर, पाल वर्ल्ड के अंदर ओनली फॉर 55 लेवल ही है। और नोकलेम हम लोगों का है 55 लेवल का। और अब मैं बाहर करता भाई हम लोगों का नया सा भूसी को, और भूसी तू क्या कर सकता है, भूसी को मैं अटैक करने के लिए कमांड भी दे सकता हूं। भूसी का मैं अटैक पावर देख लेता हूं, भूसी का अटैक पावर है 600, डिफेंस है 400। भूसी भी बहुत सही पोकेमॉन है, और भाई भूसी देख सो तो बहुत सारे काम करता है। और इसको बाहर करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट डार्क टाइप का पोकेमॉन आप लोग देख सकते हो, ये है फायर टाइप का, ये है डार्क टाइप का, ये डार्क और फायर दोनों टाइप का है। इसके पास जाता हूँ, देखता हूँ ये मारता कि नहीं। ये पोकेमॉन शांत टाइप का पोकेमॉन है जितना सा पता है मुझे, हाँ ये शांत टाइप का पोकेमॉन है, डर के मारे भागता है मुझे देख के। बट इसके पास मैं जब जाता हूँ ना रात के टाइम, ये सीधा मारना स्टार्ट करता है। तो तू और ज्यादा वेट ना करके इसके ऊपर अटैक मार, इसके ऊपर अटैक कर। ओ भाई साहब 13,000 का डैमेज दिया, 13,000 का एक बार पे। उधर से कौन नया टाइप का पोकेमॉन भाग रहा था, मुझे लग रहा है नया टाइप का पोकेमॉन तो नहीं है गाइस, ये वाला पोकेमॉन है, मुझे पता था कि हाँ ये है। चल मार अटैक कर, और डार्क टाइप का अटैक। भाई अटैक का डैमेज तो बहुत सही है, मुझे क्यों मार रहा है भाई वो तुझे मारा, मैं तुझे मारा क्या, तू उसको मार ना, मुझे क्यों मार रहा है। अरे भाई उसको मार, मुझे क्यों मार रहा है। ये देखो भाई साहब 2,200 डैमेज दिया एक बार पे। आज की इस एपिसोड के अंदर भाई हमने बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ा, बहुत सारे अलग अलग पोकेमॉन पकड़ा, जैसे कि ये नोकलेम जैसा पोकेमॉन, इसका पावर बहुत ज़्यादा है, ये एक पूरा मेटल का पोकेमॉन है भाई, इसके अंदर पावर तो कुट कुट के इसके अंदर पावर घुसा गया है। और आप लोग कमेंट करके बताओ इसके साथ किसका फाइट कराए या इसके साथ किसी का ब्रीड करवाए, तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता देना मुझे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही करने वाला हूँ। तो आज का इस वीडियो को इसी जगह पर एंड करता हूँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो मेरी यारो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नया खतरनाक सा पोकेमॉन पकड़ने का वीडियो लेकर, तो बाय बाय।